गाइस आज के वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पानी की दुनिया के अंदर के सबसे खतरनाक वाले लकी बॉक्स को ढूंढने वाले हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, आज हम एक्वामैन के सबसे पावरफुल लकी बॉक्स को पानी के अंदर से निकालने वाले हैं। और अभी जो आप एक्वामैन का ये गोल्ड लकी बॉक्स देख रहे हो, अगर आज हमने इसे ढूंढ लिया तो इसके अंदर से हमें एक ऐसी चीज मिलेगी जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। तो क्या आप भी एक्वामैन के सबसे अमेजिंग वाले लकी बॉक्स को देखना चाहते हो? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। यार यहाँ पर तो कितना बड़ा समुद्र है, और वो भी देखो यार, आज तो लहरें भी कितनी बड़ी बड़ी उठ रही है। हाँ गाइस, यार ये देखो भाई, लॉस सैंटोस का ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर काफी गहरा समुद्र है। आप जितनी भी दूर देखोगे ना, यहाँ से आपको सिर्फ समुद्र ही दिखेगा। एंड पता है, जो पूरे लॉस सैंटोस की सबसे खतरनाक वाली शार्क है ना, वो इसी समुद्र में मिलती है। अरे यार, तो हम एक्वामैन के लकी बॉक्स को कैसे ढूंढेंगे? यार अगर हमें एक्वामैन के लकी बॉक्स चाहिए ना, तो हमें इस समुद्र के अंदर जाना ही होगा, क्योंकि हमें एक्वामैन के सारे लकी बॉक्स ना पानी के अंदर ही मिलेंगे। और उसके लकी बॉक्स सिर्फ ऐसी जगहों पर होंगे जो एरिया काफी ज्यादा खतरनाक होगा, तो इसलिए ना मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे तो एक काम करना फ्रेंक भैया, यहाँ पर समुद्र के अंदर है ना, आप ही जाना, मैं तो यहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ। हाँ यार शिनचैन, मुझे पता है भाई, ये वाला एरिया काफी ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर अंदर लेकर भी नहीं जाऊंगा। गाइस यार, हम समुद्र के अंदर निकल चुके हैं, और हमें ना आगे काफी गहरी तरफ जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर है ना किनारे की तरफ हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। और आप यहाँ की लहरें देखो गाइस, कितनी बड़ी बड़ी है। मुझे तो यार ये लहरें देखकर ही डर लग रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं नीचे की तरफ कैसे जाऊंगा। और मैंने शिनचैन को है ना वहां पर किनारे पर ही छोड़ दिया है, जो कि भाई शिनचैन को यहाँ पर लेकर आकर है ना मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो यार अभी हम किनारे से काफी दूर आ चुके हैं, तो चलो गाइज अभी मैंने बोट को यहाँ पर खड़ा कर दिया है, और अभी नीचे छलांग मारते हैं, और नीचे हमें ढूंढने में गाइज काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये देखो भाई, ये वाला समुद्र इतना ज्यादा गहरा है कि नीचे की तरफ कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ ब्लू ही ब्लू दिख रहा है। इसलिए है ना अभी हमें और गहराई की तरफ जाना होगा। देखो भाई हम कितना नीचे आ चुके हैं गाइस, ये देखो हम समुद्र के बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर हमें काफी सारी मछलियां तो दिख रही हैं, लेकिन अभी तक भी हमें अपना लकी बॉक्स नहीं दिखा है। चलो भाई हमें ना ऐसे ही ढूंढना होगा। और ये देखो भाई, यहाँ पर कितने खतरनाक खतरनाक पौधे भी हैं गाइस। ये वाले जो प्लांट्स है ना, वो काफी जहरीले भी होते हैं गाइस। देखो भाई कितने गहरे, एक सेकंड गाइस, ये देखो यहाँ पर कुछ है। अरे गाइस ये देखो, हमें अपना एक्वामैन का लकी बॉक्स दिख चुका है। ये देखो भाई, ये काफी बड़े साइज का है। चलो गाइस यार, इससे पहले यहाँ पर कोई शार्क या फिर कोई व्हेल मछली आए, हमें इस वाले लकी बॉक्स को पानी से बाहर लेकर जाना होगा। तो चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसे जल्दी से ना बाहर लेकर चलते हैं। तो गाइस यार फाइनली हम इस वाले लकी बॉक्स को किनारे तक लेकर आ चुके हैं, तो चलो यार देर नहीं करते हैं। सो 3 2 1 फायर। ये देखो गाइस यार, फाइनली मैं एक्वामैन बन चुका हूँ। शिनचैन बता भाई, ये एक्वामैन का सूट कैसा लग रहा है? अरे वेंग भैया, यार आप तो पूरे गोल्डन गोल्डन कलर के हो गए हो, और आपके हाथों पे देखो ये कैसे गिल्स निकलाए हुए हैं, जैसे सेम टू सेम मछलियों के होते हैं। हाँ यार शिनचैन, और पता है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी के अंदर है ना पानी पानी है। अरे वेंग भैया, यार आप अगर एक्वामैन बन गए हो तो शायद से आप तो पानी के अंदर भी चल भी सकते हो ना। हाँ यार ऐसा तो मैं कर सकता हूँ। चलो गाइस यार अभी है ना पानी के अंदर चलते हैं, और देखते हैं कि मैं पानी के अंदर चल सकता हूँ क्या। ये देखो गाइस, मैं पानी के अंदर है ना कितना इजीली चल पा रहा हूँ, अभी मैं ना पानी के अंदर सांस भी ले पा रहा हूँ। ये देखो यार, मैं पानी के अंदर कैसे भाग पा रहा हूँ। यार एक्वामैन की लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी है ना, वो पानी में कैसे रह सकता है, सारी मछलियां ना उसकी बातें भी मानती हैं। एक सेकंड गाइस, नीचे है ना मैंने काफी सारी शार्क देखी थी। ये देखो गाइस, यहाँ पर है ना काफी सारी शार्क है। चलो है ना इनके पास चलकर देखते हैं कि ये क्या हमारे ऊपर अटैक करेंगी। आराम आराम से गाइस, यार मुझे डर भी लग रहा है। नहीं गाइस यार, ये देखो कोई भी शार्क है ना मुझे कुछ भी नहीं कह रही है। यहाँ पर 4 शार्क है, देखो 2 तो सिंपल शार्क है, और ये हैमरहेड शार्क है। ये भी गाइस काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा खतरनाक होती है। ये देखो कोई भी शार्क मुझे कुछ भी नहीं कह रही है। यार ये एक्वामैन कितना ज्यादा ओपी है। तो ऑलराइट गाइस, अभी मैं लॉस सैंटोस के इस बीच पर आ चुका हूँ, और मैंने हल्को चैलेंज भी दे दिया है, क्योंकि गाइस यार मैं ये देखना चाहता था कि कौन ज्यादा पावरफुल है, हमारा हल्क एवेंजर या फिर हमारा एक्वामैन। और मैंने हल्क को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो वो अभी यहाँ पर काफी गुस्से में आएगा और उसे फाइट करने में भी मजा आएगा। ये देखो गाइस, हल्क आ चुका है, और आते उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो भाई, मैंने उसको काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया था, इसलिए वो अभी काफी गुस्से में है।
चलो हम भी उसको पंच मार के बताते कि भाई हमारा एक्वामैन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये देखो भाई हल्क कैसे उठा उठा के मार रहे हैं। हमें भी है ना गाइस हल्क को उठने का मौका नहीं देना है, वरना अगर एक बार हल्क बेकाबू हो गया ना तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखो भाई हल्क फुली चार्ज हो चुका है और लॉस सैंटोस के बीच पर कितनी सारी पुलिस भी आ चुकी है। गाइस यार पुलिस को किसने बुलाया? हल्क से फाइट करने में गाइस मजा तो आता है क्योंकि हल्क है ना एक टक्कर का ओपोनेंट है, और हल्क जब गुस्से में होता है ना तब तो भाई उसको पंच मारने में भी मजा आता है और उसके पंच खाने में भी मजा आता है। ये देखो भाई अगर मैंने हल्क को एक सेकंड के लिए भी टाइम दे दिया ना तो वो उल्टा आकर हमारी बैंड बजाएगा। देखा देखा मैंने बोला था ना, मैंने हल्क को थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम क्या दिया, हल्क ने तो आते ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। देखना अभी मैं हल्क को ना थोड़ा सा टाइम दूंगा। ये देखो अभी मैं हल्क को कुछ नहीं बोल रहा। ये देखो भाई हल्क कितने बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंक रहा है, लेकिन फिर भी मैं हल्क को ना संभलने का पूरा टाइम दे रहा हूँ। ये देखो भाई हल्क से फाइट करने का गाइस मजा ही अलग है, इसलिए ना मैं हमेशा हल्क को ही चैलेंज करता हूँ। चलो भाई अभी हल्क को फिर से मुक्के मारते हैं। अरे यार गाइस ये देखो भाई हमारी फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि हमें रोकने के लिए आर्मी वाले आ चुके हैं। ये देखो भाई यार एक तो आर्मी वाले भी अटैक कर रहे हैं, देख रहे हो गाइस कैसे गोलियां मार रहे हैं, वो मुझे नहीं वो हम दोनों के ऊपर गोलियां मार रहे हैं। ये देखो भाई हमें इनके ऊपर भी थोड़ा सा ना अटैक करना चाहिए ताकि ये यहां से भाग जाएं, वरना ये हमको ना ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे। अरे यार हल्क रुक जाना तू, हल्क भी गाइस यार मैं तो इनको रोक रहा हूँ, हल्क मेरे ऊपर ही अटैक कर रहा है। ये देखो चलो यार एक काम करते हैं, हल्क को ना पहले बेहोश कर देते हैं काफी तगड़े अटैक करने के बाद, उसके बाद ही हम इन आर्मी वालों को रोकेंगे, क्योंकि मैं आर्मी वालों को रोक रहा हूँ तब हल्क हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। एक सेकंड मुझे लग रहा है हल्क है ना अभी बेहोश हो चुका है, उसको काफी ज्यादा खून निकल चुका है। हाँ गाइस ये देखो भाई हल्क है ना हमारा बेहोश हो चुका है, हमने उसका कितना सारा खून निकाल दिया है। अभी इन आर्मी वालों को देखते हैं, आप ये देखो गाइस यार हमारा एक्वामैन कितना ज्यादा पावरफुल है, उसने हल्क को कितना इजीली रोक दिया है, और ये आर्मी वाले भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ये देखो हम एक एक की बैंड बजा रहे हैं। तो गाइस यार आपको हमारा ये एक्वामैन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो गाइस यार हम एक बार फिर से समुद्र के अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी है ना एक्वामैन का सेकंड वाला लकी बॉक्स ढूंढना है, और गाइस यार हम इस बार है ना ऐसे समुद्र में आए हैं जहाँ पर शार्क सबसे ज्यादा दिखती हैं। पिंग भैया यार आप तो एक्वामैन बन गए हो, वो शार्क आपको तो कुछ नहीं कहेंगी लेकिन मेरा तो यार पकोड़ा बनाकर खा जाएंगी। अरे यार शिनचैन तो पानी के नीचे सिर्फ मैं ही जाऊंगा, तू बोट के ऊपर ही वेट करियो। अरे हाँ यार ये ठीक रहेगा। हाँ यार और गाइस देखो यहाँ की जो लहरें है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो आई थिंक से गाइस अभी हमें ना काफी गहरे पानी में आ चुके हैं, यहाँ से ना मुझे नीचे जंप करना चाहिए। तो चलो गाइस अभी नीचे चलते हैं। ये देखो गाइस यार मुझे तैरने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने आप नीचे जा रहा हूँ। यार ये समुंदर अंदर से कितना ज्यादा कलरफुल है गाइस, देखो भाई कितने अलग अलग टाइप के पौधे हैं नीचे, पिंक कलर के भी हैं, ब्लू कलर के भी हैं, और छोटी मछलियां तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। हमें यहाँ पर आगे बढ़ते रहना ही होगा गाइस, कहीं ना कहीं हमें अपना लकी बॉक्स मिल ही जाएगा। अरे एक सेकंड गाइस ये क्या है? ये देखो गाइस यहाँ पर तो व्हील मछली है, और एक नहीं तीन चार है भाई, ये क्या देख रही है यहाँ पर। अरे गाइस मुझे लगता है कि हमें अपना लकी बॉक्स मिल चुका है। ये देखो गाइस ये रहा हमारा एक्वामैन का नेक्स्ट वाला लकी बॉक्स, और इसकी सिक्योरिटी यहाँ पर कितनी सारी व्हेल मछलियां कर रही है। एक सेकंड अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये व्हेल कितनी ज्यादा बड़ी है, और यहाँ पर एक या दो नहीं चार चार व्हेल मछली है। आप इन मछलियों को देखो भाई, ये हमसे भी कितनी ज्यादा बड़ी है। अरे गाइस यार हमारा लकी बॉक्स है ना अपने आप ऊपर जा रहा है। चलो यार एक काम करते हैं, इस लकी बॉक्स को ना ऊपर लेकर चलते हैं और जल्दी से इसको ओपन करते। तो ये देख भाई शिनचैन मैं एक्वामैन का नेक्स्ट वाला लकी बॉक्स भी लेकर आ चुका हूँ। यार ये तो सेम टू सेम वैसा ही है। हाँ यार वैसा तो है, लेकिन भाई ये ना पहले वाले से काफी ज्यादा भारी है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से ना हमें काफी तगड़ी चीज मिलने वाली है। अरे यार फेंग भैया यार फिर तो मुझसे वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, चलो ना जल्दी से इसको ओपन करते हैं। हाँ यार शिनचैन वेट तो मुझसे भी नहीं हो रहा है, तो चलो गाइस देखते भाई हमें इस वाले लकी बॉक्स के अंदर से क्या मिलेगा। सो 3 2 1 फायर। अरे ये क्या है शिनचैन देख हमें एक शार्क मछली मिली है। अरे फेंग भैया यार ये शार्क मछली नहीं है। अरे लग तो शार्क मछली जैसी रही है। अरे फेंग भैया यार ये एक्वामैन का स्पेशल व्हीकल है जो कि बिल्कुल सेम टू सेम शार्क जैसा दिखता है। हाँ गाइस ये देखो यहाँ पर हैंडल भी बने हुए हैं, चलो इसके ऊपर बैठते हैं। आजा भाई शिनचैन। हाँ यार आ रहा हूँ। गाइस यार ये देखो भाई ये कितनी औसम है, हम शार्क को कैसे चला पा रहे हैं। अरे फेंग भैया यार ऐसी बोट तो है ना डोरेमोन के पास भी नहीं होगी, हम कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं। हाँ यार शिनचैन और अभी देखना गाइस मैं स्टंट मारने वाला हूँ काफी बड़ा, इसके ऊपर से जंप देखो शिनचैन। ये देखो गाइस यार
हमारी जंप देखो भाई, ये देखो यार। अरे अरे बैंग भैया यार, अभी हम काफी ऊपर आ चुके हैं, नीचे नीचे चलो। अरे हाँ गाइस यार, अभी मुझे भी डर लग रहा है। ये देखो भाई, हमने कितनी ऊंची जंप मारी थी, और ये देखो अभी हम पानी के अंदर, और अभी फिर से हम पानी के ऊपर है। अरे बैंग भैया यार, ये तो दिखने में भी काफी औसम है यार, कितना मजा आ रहा है ना। मैंने आज से पहले ऐसी बोट कभी भी नहीं देखी थी। हाँ यार, और मुझे लग रहा है कि हम इस बोट से ना किसी के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। इसके अंदर गन वगैरह है क्या? अरे यार, लेकिन हम अटैक इसके ऊपर करेंगे। हाँ यार, वही मैं सोच रहा था, यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है। वैसे गाइस यार, आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको हमारी ये एक्वामैन की यार शार्क बोट कैसी लगी है। यार चिंचन, तूने तो इसका नाम भी दे दिया, शार्क बोट। अरे हाँ यार, अच्छा लग रहा है ना। हाँ यार, सही लग रहा है शार्क बोट। तो गाइस यार, आपको ये शार्क बोट कैसी लगी है, और क्या आप भी शार्क बोट को चलाना चाहते हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर लिखना, क्योंकि इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, उसमें हम एक्वामैन की और भी तगड़ी तगड़ी चीजें लेकर आने वाले हैं। तो आज के वीडियो बस यही तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।